नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 गद्य 2 न्याय मंत्री। हमने पहले वीडियो में देखा कि परदेशी बनकर सम्राट अशोक शिशुपाल नाम के जो ब्राह्मण है उसके घर रात रुकने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर शिशुपाल और सम्राट अशोक जो परदेशी बनकर शिशुपाल के घर आया था उनके दोनों में बातचीत हो रही है। तो बातचीत से पता चलता है कि ब्राह्मण न्याय मंत्री बनने का अवसर तलाश कर रहा है, तो उसको न्याय मंत्री बनाया जाता है। न्याय मंत्री बनने के बाद क्या होता है इस दूसरे भाग में हम देखेंगे। लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल अब न्याय मंत्री बन गए थे। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने की वजह से उसके राज्य में सब अच्छी तरह चल रहा था। लोग भी बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। लेकिन एक महीने के बाद हुआ यूं कि एक पहरेदार की हत्या कर दी गई। चारों ओर अंधकार फैल गया कि ये क्या हो गया, शिशुपाल के होते हुए एक पहरेदार की हत्या। सब लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गए। शिशुपाल की भी नींद उड़ गई कि मेरे होते हुए इस राज्य में एक पहरेदार की हत्या कैसे हो गई। उन्होंने उस पहरेदार के हत्यारों को खोजने का काम शुरू कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। बहुत प्रयत्न करने के बाद शिशुपाल ने हत्यारा का पता तो लगा लिया, लेकिन ये क्या, हत्यारा और कोई नहीं लेकिन सम्राट अशोक थे। तो शिशुपाल ने सोचा कि ये हत्या तो सम्राट ने की है, तो सम्राट को सजा कैसे दी जाए। फिर भी उन्होंने सोचा चाहे वो सम्राट हो या कोई साधारण इंसान, साधारण मानवीय, लेकिन उसने हत्या तो की है, अपराध तो किया है, उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन सम्राट को कैसे सजा दी जाए। वो एक न्याय मंत्री है लेकिन वो एक सम्राट के सेवक भी, और सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए, ये सब उसके मन में चल रहा था कि क्या किया जाए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। दरबार भरा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे। दरबार में जाते ही सम्राट ने पूछा, शिशुपाल आप न्याय मंत्री है, आपने अपराधी का पता लगाया। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। शिशुपाल साहसपूर्वक डरतापूर्वक कहा, डरे बिना, हाँ सम्राट मैंने अपराधी का पता लगा लिया है। तो फिर उसे उपस्थित करो, सम्राट ने हुक्म दिया। अगर आपने अपराधी का पता लगा लिया है तो उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने जो सिपाही था उसका नाम था धनवीर, धनवीर को कहा कि उसे गिरफ्तार करो। दृढ़तापूर्वक डरे बिना ही कहा कि इसे गिरफ्तार करो। संकेत सम्राट की ओर था। शिशुपाल ने धनवीर को संकेत देते हुए कहा कि धनवीर क्या सोच रहे हो, इसे गिरफ्तार करो। पर जो जिस तरफ संकेत था वो संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस,
दरबार में जो दरबारी जो लोग बैठे हुए थे वो सब सोचने लगे कि एक ऐसा न्याय मंत्री है खुद सम्राट को अपराधी ठहराता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। उसका साहस तो देखो, उसमें कितना साहस है जो सम्राट के सामने किसी बोलती किसी की भी नहीं चलती, उस सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है। सब देखने लगे पर सम्राट भी दुआपुआल गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे कि एक ऐसा साहस है, एक ऐसा हिम्मत है तुम्हारा, तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हो, तुम्हारा इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराए, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। सम्राट गुस्से से लाल पीले हो गए और उसने कहा कि इतना साहस, तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हो। फिर भी न्याय मंत्री तो न्याय मंत्री थे, उन्होंने सम्राट की बातों का ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी बात दोहराई, धनवीर मैंने कहा नहीं कि इसे गिरफ्तार करो, तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, धनवीर जो सिपाही था उसको न्याय मंत्री शिशुपाल ने आज्ञा की कि उसे गिरफ्तार करो, तो उसे गिरफ्तार तो करना ही था, तो उसने शिशुपाल की आज्ञा की वजह से उसने सम्राट को गिरफ्तार कर दिया, हथकड़ी सम्राट के हाथ में लगा दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री, तब वो न्याय मंत्री थे और सम्राट न्याय मंत्री के सामने एक अपराधी था, उसी समय वो सम्राट नहीं थे इसलिए उसने उसके नाम से बुलाया कि सम्राट नहीं किया कहा, लेकिन क्या कहा, अशोक, क्योंकि सम्राट का नाम अशोक था। तो अशोक जो साधारण इंसान होता है ना, जो साधारण मानवी, साधारण लोग के सामने जो न्याय किया जाता है वही न्याय एक सम्राट के सामने भी किया, तो सम्राट सम्राट नहीं लेकिन एक अपराधी थे इसलिए उसके नाम से उसे बुलाया न्याय मंत्री ने। वो उसे कहा कि अशोक तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। सम्राट होंठ काट कर रह गए कि एक ऐसा न्याय मंत्री है, मैं सम्राट होते हुए भी मेरी ये मुझे ये गिरफ्तार कर रहा है और मुझे इस तरह नाम देकर मुझे पुकार रहा है और मुझे कहता है कि अपना गुनाह कबूल करते हो। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्धन था, सम्राट का उत्तर था। वह उद्धन था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। तो सम्राट जो अपराधी थे अशोक, उसने कहा कि हाँ मैंने अपराध तो किया है, मैंने उसका खून किया है, उसको मारा है, लेकिन जो पहरेदार था वो बहा उद्धरण था, वो किसी की नहीं सुनता था, इसीलिए मैंने उसकी हत्या की। तो न्याय मंत्री ने कहा कि वो कोई भी हो, वो उद्धरण हो या अपराधी हो, कोई भी हो, लेकिन तुम्हें उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं है। अगर तुमने उसकी हत्या की है तो उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा और उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और उसकी सजा यह है कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने इस तरह अपना निर्णय सुनाया, सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया, वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया कि यह कैसा न्याय मंत्री है, सम्राट को मृत्युदंड सुना रहा है। सब स्तब्ध थे कि न्याय मंत्री कैसा है, लेकिन सम्राट अशोक ऐसे न्याय मंत्री को पाकर गदगद हो गए थे कि मैंने ऐसा न्याय मंत्री पाया जो सम्राट हो या कोई आम साधारण इंसान हो, सबको न्याय सही तरीके से मिलना चाहिए, तो ऐसा न्याय मंत्री पाकर वो गदगद हो गए थे और वो इस न्याय मंत्री की परीक्षा ले रहे थे, तो इस परीक्षा में ये न्याय मंत्री सफल हुए थे, तो इसी तरह सम्राट अशोक गदगद हो रहे थे ऐसे न्याय मंत्री को देखकर। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तभी न्याय मंत्री
का संकेत पाकर राज्य का जो एक कर्मचारी सिपाही था वो अशोक की जगह उसकी सोने की मूर्ति लेकर प्रस्तुत हो गए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री खड़े होकर कहने लगे, ये सच है कि मैं एक न्याय मंत्री और सम्राट अशोक ने ये अपराध भी किया है कि पहरेदार की हत्या की और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो राजा होता है वो ईश्वर के समान होता है, तो ईश्वर को सजा मैं नहीं दे सकता, लेकिन वो भी जरूरी है कि उन्होंने अपराध किया है तो उसकी सजा भी उसे मिलनी चाहिए, तो उसकी जगह पर उसकी जो सोने की मूर्ति है उसको फांसी पर लगा दी जाए। इसी तरह से लोगों में भी पता चले कि अगर राजा हो या कोई साधारण मनुष्य अगर उसने अपराध किया हो तो उसका दंड उसे अवश्य मिलता है। तो इसी प्रकार सम्राट को ईश्वर का रूप मानते हुए मैं उसको इसकी जगह पर उसकी सोने की मूर्ति को दंड दे रहा हूँ। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। न्याय मंत्री का यह न्याय सुनकर राज दरबार में जो लोग बैठे हुए थे तो वो गदगद हो गए कि ऐसा निर्णय कर दिया। जय जयकार करने लगे, शिशुपाल की जय हो, इसने सम्राट को भी अपराधी घोषित करके सम्राट को भी उसकी अपराध की सजा दे दी। जब सब लोग इस राज दरबार में से चले गए तब शिशुपाल ने अशोक से कहा, सम्राट से कहा कि आपने जो मुझे राजमुद्रा दी थी वो आज वापस ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इस न्याय का बोझ नहीं उठा सकूंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अशोक जो राजा थे उसने कहा कि ये राजमुद्रा आप ही रखी और मेरे दरबार में आपके जैसा न्याय मंत्री मुझे कोई और नहीं मिलेगा, आप ही हमारे दरबार के न्याय मंत्री, आपको पाकर तो मैं धन्य हो गया, तो आप ही मेरे राज्य के दरबार के न्याय मंत्री नियुक्त, आपको अब मिल गया, आप सच्चे न्याय मंत्री हो। इसी तरह सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपना राज्य का न्याय मंत्री घोषित किया। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे शब्दार्थ और टिप्पणी। शब्दार्थ सौभाग्य यानी कि सदनसीब, सुगम यानी कि सरल, अवसर यानी कि मौका, राजमुद्रा राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध सुव्यवस्था, उद्दंड अविवेकी, निस्तप्त शांति, मुहावरे सहम जाना आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना चिंतित होना, धूम मच जाना प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना कड़ी मेहनत करना, होठ काटना आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकना लज्जित होना, गदगद हो जाना भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना सही परिस्थिति समझना। तो ये शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में सबको लिखना है।